चाकू के ऑर्डर्स कैंसिल होने पर गर्द गहरी सोच में डूब गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्म्स रिसर्च डिपार्टमेंट उसके साथ इस तरह का घटिया काम करेगा। वैसे गर्व को लगता तो था कि ऐसा कुछ होगा, पर इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अगर वो ब्लूप्रिंट अपने आप दे देता तो शायद उसकी रिसर्च डिपार्टमेंट के बीच थोड़ी इज्जत बढ़ जाती, पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल पाते। कुछ भी हो, वो गर्व के मजबूत होने के प्लान को खराब कर रहे थे, और ये तो गर्व नहीं होने दे सकता था। गर्व ने फागुन को कॉल करने के लिए अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उसने फागुन से सीधा पूछा, शायद तुमको तो पता चल गया होगा, फागुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यार, ये आर्म्स रिसर्च डिपार्टमेंट भी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अभी तक ऊपर से कोई परमिशन नहीं मिली है, और ये लोग ढिंडोरा पीट चुके हैं कि वो बड़े लेवल पर चाकू बनाएंगे। गधे कहीं के, गर्व राठौर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पूरी बात बताओ। इसके बाद फागुन ने गर्व को कौशल और लोचन राय का सारा किस्सा बताया। फिर गर्व ने पूछा, क्या रिसर्च डिपार्टमेंट ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है? फागुन ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं। गर्व ने कॉल काट दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गर्व मन में सोचने लगा, ऐसा लगता है रिसर्च डिपार्टमेंट का उसे सफाई देने का कोई इरादा नहीं है। रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो किया वो तो जो था वो था ही, पर ऊपर के अधिकारी पक्के तौर से समझ तो गए होंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। आखिर क्या बात होगी कि उन्होंने अभी तक ना तो रिसर्च डिपार्टमेंट को मना किया है और ना ही इजाजत दी है। जरूर वो देखना चाहते हैं कि ऐसे हालातों में मैं क्या करता हूं। अगर वो रिसर्च डिपार्टमेंट से खुद की हार मान लेता है तो ये उनके लिए संकेत होगा कि अब गर्व के साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। उसके मन में हिसाब चलने लगा, ऊपर के अधिकारी किसी की भी साइड नहीं लेंगे जब तक मैं बातों को ज्यादा नहीं खींचूं। उन्हें सही तरह से काम करना होगा और मेरे नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। अचानक गर्व के दिमाग में एक आइडिया आया, ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है एडवांस नॉलेज पाने का। गर्व ने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचने लगा, तुम दिन दहाड़े मुझे लूटोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखो, मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मुझे धमकाने की कोशिश भी नहीं करोगे। डिवीजन 13 आर्म्स रिसर्च डिपार्टमेंट में रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड सेक्रेटरी लोचन की तारीफ कर रहा था। बहुत अच्छे, लोचन केवल नकली सा मुस्कुरा रहा था, पर सच्चाई तो ये थी कि वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। सेक्रेटरी ने उससे कहा, डिपार्टमेंट तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। हमने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से पहले ही सारी जरूरी जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए हैं। तुम्हारी गिनती तो पहले से ही हमारे स्टाफ में हो रही है, लालची लोचन बीच में बोल उठा। और सर, प्रमोशन? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, डिपार्टमेंट हेड ने पहले ही कह दिया है कि तुम अपनी टीम को खुद लीड करोगे। तुम्हारे क्लियरेंस भी बढ़ा दिए गए हैं। अच्छे से काम करते रहो, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। इतना सुनते ही लोचन की मुस्कान फैलकर और बड़ी हो गई। उसने पूछा, अब मैंने सुना है कि गर्व को ऊपर के अधिकारी बहुत काम का समझते हैं, इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? सेक्रेटरी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे अंदर की जानकारी है, वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं रिसर्च डिपार्टमेंट और गर्व के बीच टकराव की खबरें पूरे डिवीजन 13 में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब लोग गर्व को एक नॉर्मल सा मैकेनिक समझते थे, तो जो हुआ उससे किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक गर्व ने किसी भी तरह की कोई हरकत करने का इशारा नहीं दिया, तो उम्मीद के मुताबिक इतना साफ हो गया था कि उसने चुप रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन अभी तक इतना साफ नहीं हुआ था कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक जनरल स्टाफ मेंबर के इतना पीछे क्यों पड़ा है। इन सब बातों का मनाली पर भी असर पड़ा, क्योंकि वो इसमें गर्व का साथ दे रही थी। वैसे तो वो गर्व से बात करना चाहती थी और उसे बार बार कॉल भी करती रहती थी, पर उसका कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाता था। इतना तो साफ था कि गर्व चुप होकर बैठ जाने वालों में से नहीं था, पर उसने अपनी अगली चाल अभी तक नहीं चली थी, क्योंकि उसकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी। गर्व ने अब चाकुओं को बेचकर 1,00,000 रुपए कमाए थे, जिनमें 30,000 का इस्तेमाल उसने गन पाउडर बनाने के सामान खरीदने में किया। पिछले कुछ दिनों से उसने 30,000 का सामान चाकू बनाने के लिए खरीदा था, पूरे 100 चाकू बनाने के लिए। उसने मन में कहा, इतना काफी रहेगा। डिवीजन 13 जाने से पहले गर्व ने अपना 100वां चाकू बनाकर एक बॉक्स में रख दिया। वॉर के बादल एक बार फिर से छाने लगे थे, इसीलिए सिक्स नेशन ने बंदूकों पर एक्स्ट्रा कंट्रोल लगा दिया था। आम नागरिकों के लिए बंदूक रखना अवैध हो गया था,
इसीलिए गर्व को शहर में आने से पहले अपनी बंदूकों को छोड़ना पड़ा था। सिक्स नेशन के सभी राज्यों में अवैध हथियारों के डीलर मौजूद थे। गैलेक्सी में कुछ न्यूट्रल वेंडर्स रखे गए थे ताकि प्लेयर्स को दुश्मन देशों में घुसपैठ और हत्या के मिशन को अंजाम देने के लिए इंटेल और हथियार खरीदने में उनकी मदद मिल सके। तो जरूर ही गर्व को पता होगा कि वो कहां मिलेंगे। गर्व माजिद नाम के एक आम डीलर से मिलने डिस्ट्रिक्ट 8 की तरफ निकल पड़ा। माजिद फैबियन कंपनी के लिए काम करता था। फैबियन कंपनी हथियारों का ग्लोबल पावर हाउस बनाती थी, जो बंदूकों से लेकर जेट प्लेन तक सब कुछ बेचती थी। चोरी छुपे वो सिक्स नेशन के साथ ही नहीं, यहाँ तक कि क्रांतिकारी सेना के साथ भी बिजनेस करती थी। गर ने माजिद को आसानी से ढूंढ लिया। जब गर ने अपने चाकू के बारे में बताया और अपने बॉक्स को खोल के दिखाया तो माजिद भी उससे काफी गर्मजोशी से मिला। माजिद ब्लैक मार्केट को अच्छे से जानता था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि चाकू कितने काम का था। भले ही पुराने जमाने के हथियारों से ज्यादा पैसे नहीं बनाए जा सकते थे, पर ये चाकू कमाल का था। जिस तरह से चाकू का छुपा हुआ ब्लेड बाहर आता था, उसे देखकर माजिद को ऐसा लगा कि बहुत से लोग उसकी इस बात को पसंद करेंगे। गर्व चाकुओं से भरा पूरा बॉक्स बेचना चाहता था। माजिद ने उससे पूछा, क्या तुम लगातार सप्लाई कर सकते हो? गर्व थोड़ी देर चुप रहकर बोला, अगर दिलचस्पी हो तो ब्लूप्रिंट ही खरीद लो। माजिद की आंखें खुली की खुली रह गई। ब्लूप्रिंट किसी भी मैकेनिक की सबसे प्यारी चीज होती थी। ये ब्लूप्रिंट मैकेनिक को उसके आविष्कारों का हक देते थे। ऐसा शायद ही कभी होता था कि कोई मैकेनिक अपना ब्लूप्रिंट बेचते। तो माजिद हैरान ही नहीं, बहुत खुश भी था। वो एक अनुभवी सेल्समैन था। अपनी खुशी को छुपाकर वो लापरवाही से बोला, तुम अपना दाम बोलो। गर्व ने तोल मोल के जवाब दिया, अभी जो 100 तैयार हैं, इनमें हर चाकू का 5,000 और ब्लूप्रिंट का 10,00,000 लगेगा। माजिद हल्के से हांफते हुए बोला, अब हर चाकू का 5,000 और 10,00,000 का ब्लूप्रिंट? लूट मची है क्या? दिन दहाड़े मुझे लूट लोगे? गर्व ने सीधा कहा, कोई मोल भाव नहीं। क्योंकि गर्व को पूरा भरोसा था कि माजिद उसकी शर्तों को मान लेगा। माजिद देर तक सोचता रहा, फिर बहुत सोच समझ कर एंड में मान गया। दोनों ने कहा, डील। आखिर ब्लूप्रिंट खरीदने का मौका गवाया नहीं जा सकता था। सिक्स नेशन के बैंक आपस में कनेक्टेड नहीं थे, इसीलिए डार्क वेब बैंकिंग अंडरवर्ल्ड में लेन देन का अकेला ही एक तरीका था। डार्क वेब बैंकिंग सुरक्षित ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल थी। गर्व ने तुरंत अकाउंट खोलने के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स दिए। इस दौरान माजिद ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ और भी धंधा करना चाहूंगा, ये मेरा VIP कार्ड है। गर्व ने तुरंत माजिद का VIP कार्ड ले लिया। इन हथियार डीलरों से अच्छे रिश्ते बनाना लंबे समय में काम का साबित होने वाला था, इसीलिए उसका डिवीजन 13 में हमेशा रहने का प्लान नहीं था। इधर डिवीजन 13 में आर्म्स रिसर्च डायरेक्टर की इंटेलिजेंस डायरेक्टर से रास्ते में मुलाकात हो गई। रिसर्च डायरेक्टर ने मजाकिया लहजे में कहा, लगता है तुम लोगों ने एक बेकार के आदमी को चुन लिया है, वो इतनी आसानी से थोड़े दबाव में गिर गया। मेरी सलाह मानो, उसके साथ ज्यादा नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है। कुछ बात थी कि इंटेलिजेंस डायरेक्टर को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने आराम से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड लक, और उसने रिसर्च डायरेक्टर के कंधे को थपथपा दिया। रिसर्च डायरेक्टर को समझ में नहीं आया, है गुड लक मतलब? तभी उसका फोन बजने लगा। डिवीजन चीफ उससे मिलना चाहते थे। वो तुरंत चीफ के ऑफिस की तरफ चल दिया। उसने नॉक करते हुए कहा, चीफ आपने मुझे बुलाया? चीफ ने बताया, आपकी योजनाओं को कल मंजूरी दे दी गई थी, उस चाकू का क्रेडिट आपके डिपार्टमेंट को जाएगा। रिसर्च डायरेक्टर ये न्यूज सुनकर फूला नहीं समा पाया। उसने खुशी से कहा, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद चीफ। चीफ मन ही मन हंसने लगा। वो सोच रहा था, इतनी जल्दी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। रिसर्च डायरेक्टर को उसका ऐसा बिहेवियर देखकर कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्या हुआ सर, क्या आप गर्व को लेकर परेशान हैं? वो कुछ नहीं कर पाएगा। चीफ ने पूछा, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है? रिसर्च डायरेक्टर ने हां में अपना सिर हिलाया। अच्छा। अचानक चीफ ने एक फोल्डर उठाकर रिसर्च डायरेक्टर की तरफ फेंका। तुम अपने निजी फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग करके डिवीजन की टेक्नोलॉजी बेच दोगे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? रिसर्च डायरेक्टर का मुंह खुला रह गया। अचानक क्या हो गया? चीफ की इन बातों का क्या मतलब था?